friends, I am Sadia, a tiny YouTuber from Pakistan. I make videos of cooking, eating, outing, shopping, DIYs, vlogs, and many more. If you like something about my channel, please don't forget to subscribe. Thank you very much. Assalamualaikum friends, welcome back to my channel. कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब पहले बहुत अच्छी होंगी और अपने घरों में पुरसकून ज़िंदगी गुजार रहे होंगे और मेरी दुआ है अल्लाह पाक आप सबको बहुत सारी खुशियाँ दे और बहुत सारी खुशियों के साथ अपने घरों में आबाद रखें और अल्लाह पाक हम सबको शयातीन के शर से और हसदीन के हसद से महफूज रखें और अल्लाह पाक हमारे दिलों को हसद बुख्स और कीना से पाक रखें आमीन। सो यहाँ पर आप देखिए जो है मेहंदी के आफ्टर इफेक्ट्स नहीं मतलब इसे क्या कहेंगे, जब मेहंदी उतरने वाली होती है तो वो इतनी इरिटेटिंग होती है, वो इतनी देखने में भी अच्छी नहीं लग रही होती है। सो मुझे किसी ने बोला था कि इस पे ब्लीच लगाएं ना तो जो मेहंदी है वो उतर जाती है, तो मैंने सोचा कि चलो मैं इसको ट्राई करती हूँ। अभी जो मैं हाथों पर ये ब्लीच लगाऊंगी ताकि जो ये छोटे छोटे से मेहंदी के पैचेस रह गए हैं ना मेरे हाथ पर, ये जो है वो निकल जाए और हाथ जो वो थोड़े से साफ़ हो जाए। तो यहाँ पर जब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ ब्लीच को, और फिर मैं इसको इस ब्रश की मदद से अप्लाई करूँगी, तो लेट्स सी कि इसको लगाने के बाद जब वो मेहंदी साफ़ होती है या नहीं होती। तो मेरा एक्सपीरियंस तो कुछ ठीक नहीं रहा, या मे बी मुझे सही अप्लाई नहीं करना आई, या आई डोंट नो, बट मेरे से तो कुछ ख़ास रिजल्ट नहीं मुझे मिला। यहाँ पर देखिए कोई भी फ़र्क मुझे नहीं महसूस हो रहा कि ब्लीच के बाद जो मेहंदी उतर गई हो तो मुझे लगता है कि मुझे कोई जो है वो कुछ कपड़े धोने पड़ेंगे तभी उतरेगी। तो मैं अब मेरा जो नेक्स्ट स्टेप है मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि मैं कोई एक अपना ड्रेस धो लूँ, हैंड वॉश करूँ ताकि मेहंदी उतर जाए। फिर जो है वो नादिया ने कहा था बाजी मैंने आपके पाँव पर लगानी है, तो मैंने कहा चलो उसको खुश कर देती हूँ, तो ये मेहंदी नादिया ने लगाई थी। अभी कुछ कुछ क्लिप्स जो है वो आपको मेरे पुराने दिखाई देते रहेंगे, जैसा कि पुराने मतलब कुछ दिन पुराने। तो यहाँ पर देखिए मुझसे जो है ना, आपको एक बात बताऊँ, गिफ्ट्स हो या मैंने कभी ऑनलाइन शॉपिंग की हो, मुझसे बिल्कुल भी वेट नहीं होता कि मैं कहूँ कि चलो मैं इसको बाद में अनपैक कर लूँगी। तो यहाँ पर जो है वो मैं इस वक्त जो गिफ्ट्स हैं उनको अनपैक करने जा रही हूँ और मुझसे बिल्कुल भी वेट नहीं होता। देखिए आप देख रहे थे मैं अभी तक ब्राइडल ड्रेस में बैठी हूँ और मैंने बिल्कुल चेंज नहीं किया था, लेकिन सबसे पहले मुझे जो है वो अपने गिफ्ट्स जो है वो अनपैक करने थे। मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा गैदरिंग नहीं थी, बहुत ज़्यादा लोगों को इन्वाइट नहीं किया हुआ था, तो गिफ्ट्स भी बस बहुत ज़्यादा नहीं थे मेरे पास। तो फिलहाल ये मुझे मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट किया था और मैं इसको अनपैक कर रही हूँ, तो बड़ी मैं बुरी तरीके से इसको अनपैक कर रही हूँ, उसके लिए आई एम सॉरी सुंदर। मैं तुम्हारा गिफ्ट जो बहुत ही ब्रुटली अनपैक कर रही हूँ। ओके, तो ये रहा एक प्यारा सा ज्वेलरी बॉक्स जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। और जी हाँ, अब भी मैं थोड़ी सी बात करूँगी ज़रूर आप सबकी, कि आप सब इतने प्यारे हैं ना, मुझे मैं आपको बता नहीं सकती, यू गाइज आर अमेजिंग। सच में आप सब बहुत अच्छे हैं, अल्लाह पाक आप सबको बहुत सारी खुशी दे। मैं जितने लोग भी मुझे देखते हैं ना और मुझे कमेंट्स करते हैं, उन सब के लिए मेरे दिल से बहुत सारी दुआएं कि अल्लाह पाक आपको खुशियां दे, आपको कामयाबियां दे, और पता नहीं सारी 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 दुआएं आपके लिए, क्योंकि आप लोग मुझे दुआ में याद रखते हैं, तो मेरा भी दिल चाहता है कि मेरे दिल से दुआ निकलती है आप सब के लिए, कि कोई कितना इतना अच्छा भी हो सकता है। हाँ, थोड़े बहुत बैड कमेंट्स भी आते रहते हैं, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि हेटर्स आर एक्चुअली योर सीक्रेट एडमायरर, तो आई जस्ट डोंट केयर, इट्स ओके। आप भी मुझसे प्यार करते हैं तभी तो आप मुझे देखते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों आप जो वो गुस्सा शायद आपको इसी अपनी बात पे होता होगा, वो आप मेरे पे निकाल देते होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, इट्स ऑल राइट। तो अभी जो मैं दूसरे वाला गिफ्ट जो अनपैक कर रही हूँ
और ये जो इस तरह से एक बॉटल टाइप बनी हुई है जो कि आप कहीं पर हैंग कर सकते हैं किसी कॉर्नर में या फिर आप कहीं पर रख भी सकते हैं। तो अच्छे लगे मुझे दोनों गिफ्ट्स, बहुत अच्छे लगे हैं और थैंक यू वेरी मच। और फिर से माजरत इतने बुरी तरह से इसको अनपैक करने के लिए, लेकिन बस मैं क्या करूँ, मुझसे इंतज़ार नहीं होता तो इसलिए। और ना ये देखिए, ये जो गिफ्ट है ना, ये असल में मैंने जो वो पहले से रख दिया था रूम में, स्टोर रूम में, तो मुझे याद नहीं रहा, वरना इसको मैं साथ ही पहले ही रात में ओपन कर देती, लेकिन मुझे पता नहीं था। सो अब मुझे याद आया नेक्स्ट डे, तो आज जो मैं इसको भी अनपैक कर रही हूँ, और मुझे नहीं पता कि ये गिफ्ट किसने दिया था, क्योंकि ना तो इस पर कोई नाम मेंशन है और मुझे नहीं याद कि, मुझे नहीं पता कि किसने दिया। तो थैंक यू वेरी मच, जिसने भी दिया है उसको, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोग बताएं कि आप लोगों की रमज़ान मुबारक की तैयारी कैसी चल रही है, और आप लोगों की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आप लोगों के यहाँ मौसम कैसा है। हमारे पास तो जो है वो अभी गर्मी फाइनली स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन मैं जैसे पहले भी बता चुकी हूँ, अंदर अंदर जो मौसम थोड़ा ठंडा हो जाता है। तो ये देखिए, इसमें जो है वो ये एक ड्रेस है जो कि बहुत प्यारा ड्रेस है, और इसको मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये है ड्रेस, इस पर जो वस्त्रों से एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, और ये बहुत प्यारा है। थैंक यू वेरी मच जिसने भी दिया, क्योंकि जिसने भी दिया उन्होंने नाम मेंशन नहीं किया, अगर आप नाम मेंशन कर देते तो ज़्यादा अच्छा होता, बट इट्स ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच। सो आप लोग, मैं आप लोगों से बात कर रही थी, हाँ आप लोग बताइए कि आपकी ज़िंदगियों में क्या चल रहा है, और आज मुझे कुछ बातें नहीं आ रही, पता नहीं क्यों। ये मैं पता नहीं क्यों फिर मेहंदी दिखा रही हूँ। और अभी करते हैं इस वाले गिफ्ट को अनपैक और देखते हैं कि इसमें क्या है। सच में कर लेती हूँ आप लोगों से थोड़ी थोड़ी सी दिल की बातें। तो दिल की बातें ये करना चाहती हूँ मैं आपसे कि आप सबका मुझे इतनी सारी दुआएं देने का और इतना प्यार देने का बहुत बहुत शुक्रिया। और बैड कमेंट्स करने वालों को मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि आप तो अपने हार्श वर्ड्स छोड़ जाते हैं और आप शायद भूल जाते हैं कि किसी को आपने क्या बोला है, लेकिन आपके वो हार्श वर्ड्स किसी का दिल बुरी तरह से तोड़ सकते हैं, इस बात का अंदाज़ा आपको नहीं होता। और किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि दिलों में तो अल्लाह बसता है। तो अगर आप किसी का दिल तोड़ेंगे तो वो वापस आपकी तरफ भी आएगा, और एक दिन आप भी इसी तरह से हर्ट होंगे। तो प्लीज़ कुछ भी बोलने से पहले सोच लिया कीजिए, क्योंकि कुछ भी नहीं जाता आपका तो, लेकिन किसी का बहुत कुछ जाता है। तो यहाँ हम ये देखिए, इसमें से निकला एक बहुत ही प्यारा सा जो है वो क्लच, जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट सा है, पिंक कलर, तो मेरा इस तरह की चीज़ों में वैसे भी फेवरेट है। और एज़ यू कैन सी कि ये तो वैसे भी इतना प्यारा सा क्लच है और शाइनी सा, तो यस बहुत अच्छा लग रहा है मुझे भी ये भी। और ये भी मुझे मेरी एक फ्रेंड ने दिया है, तो थैंक यू वेरी मच। तो छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से गिफ्ट जो मुझे मिले हैं, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं। और अगर आप लोग मुझे गिफ्ट देना चाहते हैं ना, तो फिर आप लोग मुझे गिफ्ट में दुआएं देंगे बहुत ज़्यादा सारी, जो कि आप ऑलरेडी भी दे रहे हैं, और आगे मुझे दुआओं की बहुत ज़रूरत है। आप लोग मुझे दुआओं में याद रखिएगा, इसी तरह से मुझे प्यार देते रहिएगा, और मुझे आपके प्यार की और आपकी दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच। بدا من طلعته والليل دجى من وفرته فأقر رسلا فضلا وعلا أهدى السبلا بدلالته الله
वेलकम बैक। अभी ज़रा थोड़ा सा रूटीन में वापस आ जाएं। आज जो दोपहर के खाने में थोड़ा सा कीमा रखा था फ्रिज में, तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं कबाब बनाती हूँ। और कबाब मैंने बनाए हैं वो विलेज फूड सीक्रेट के जो मुबशर भाई हैं उन जैसे बनाने की कोशिश की है, और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा बन गया था। तो यहाँ पर जो मैंने अदरक, लहसुन, प्याज, सब्ज मिर्च इनको थोड़ा वो मोटा मोटा सा ग्राइंड कर लेना, इसको हमें ज़्यादा बारीक नहीं करना। तो वो ये इसमें मसाले हैं जिसमें है चाट मसाला, रेड चिली पाउडर, हल्दी, धनिया पाउडर, सॉल्ट और साथ में जो है वो चिली फ्लेक्स। ये डालने के बाद अब मैं इसमें जो वो ये प्याज और ये जो मैंने तो मोटा मोटा सा ग्राइंड किया था, ये देखिए इसको हमने ज़्यादा बारीक नहीं करना, क्योंकि अगर हम ज़्यादा बारीक कर देंगे ना तो फिर वो उतना ज़्यादा टेस्ट नहीं आएगा जितना कि इसमें आएगा। तो ये सारे इसमें डालने के बाद फिर मैं इसको करूँगी अच्छी तरह से मिक्स। और उसके बाद जो वो मैं मुबशर सिद्दीक भाई जो कि विलेज फूड सीक्रेट के ऑनर है कहूँगी, फॉलो करते हुए मैं बना रही हूँ आज मटन कबाब। मटन चपली कबाब, हाँ यही कहेंगे ना इसको, मटन चपली कबाब। तो इसको जो वो अच्छी तरह से हाथ से मिक्स कर लूँगी ताकि सारे मसाले जो वो अच्छे से सारे से मिक्सचर में जो है वो मिक्स हो जाएं, और फिर हमारे जो कबाब हैं वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। और बहुत मज़े की रेसिपी थी और ये बहुत ज़्यादा क्विक है और इजी है। आप जो वो इसको जल्दी से बस कीमा रखा हो अगर आपके पास, जल्दी से आप लोग इसको ग्राइंड कीजिए, स्पाइसेस डालिए और इसको आप फ्राई कर लीजिए। तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी कबाब बनते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई ये रेसिपी उनकी। तो यस, आई लाइक इट। तो यहाँ पर अब देखिए ये मैंने इस तरह से इनको शेप देकर तो उन्हीं की तरह टमाटर के स्लाइसेस काटे। इसके ऊपर से आपने थोड़ा सा, मैंने इसको थोड़ा प्रेस डाउन करना था लेकिन मैंने थोड़ा कम किया, जो कि मुझे बाद में अंदाज़ा हुआ क्योंकि जैसे ही मैंने इसको फ्लिप किया तो वो जो थोड़ी देर के बाद टमाटर जो है वो उसका स्लाइस थोड़ा सा इसके साथ से उतर गया। लेकिन कोई बात नहीं, तजुर्बे से ही तो चीज़ आती है ना। आपको अभी फ़र्स्ट टाइम था, नेक्स्ट टाइम मैं और अच्छा बनाने की कोशिश करूँगी। तो बस मैंने ऐसे इसको ज़्यादा प्रेस नहीं किया था। तो इस तरह से इसको जो है वो थोड़ा सा आप देर रखेंगे, जैसे आपको लगेगा कि हल्का सा जो ये फ्राई हो चुका है नीचे से, फिर आप इसको फ्लिप करेंगे। और उसके बाद इसको जो वो हल्की आँच, हल्की नहीं मतलब मीडियम फ्लेम पर आप इसको ढक्कन बंद कर देंगे ताकि जो वो अच्छे से गल जाए हमारा कीमा। ज़ाहिर है ये तो कच्चा कीमा है तो इसको जो आपने गलाना तो होगा। तो इस तरह से जो वो ये आपके कबाब जो है वो बड़े मज़े के बनेंगे। अब यहाँ पर इसको जो वो एहतियात के साथ फ्लिप कर दिया मैंने, और अभी इस वाले को भी फ्लिप कर देती हूँ। ये बहुत ज़्यादा क्विक और इजी रेसिपी है, सच में बताऊँ आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इसको खाने में, और ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है आपको, और आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें। और ये देखिए हमारे मज़ेदार से मटन चपली कबाब तैयार है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। हेलो फ्रेंड्स, आई एम सादिया, अ टाइनी यूट्यूबर फ्रॉम पाकिस्तान। आई मेक वीडियोज ऑफ कुकिंग, ईटिंग, आउटिंग, शॉपिंग, DIYs, vlog and many more. If you like something about my channel, please don't forget to subscribe. Thank you very much.